आज का टॉपिक हमारा ऐसा है जो आपने दोनों की भी, ये दोनों एंट्रियां आपने की भी है, लेकिन फर्क ये है आपको पता नहीं होगा इन दोनों को मिला के कैसे लिखना है। अब मैं इसकी थ्योरी समझाता हूं कि आप ये कह के आ रहा है इन एंट्रियों में। आपने कोई भी माल उधार पर खरीदा, उधार पे माल खरीदने का मतलब आपने पैसे नहीं दिए, और वो माल आपने किसी गाड़ी में लोड कराया और घर ले आए, या आपने वर्कशॉप में ले गए, तो क्या सुजुकी वाले को भी पैसे नहीं दोगे? सुजुकी वाला बोलेगा मैं माल घर ले जा रहा हूं अपने, ऐसा ही है ना? सुजुकी वाले को तो ट्रांसपोर्ट के पैसे दोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि उससे भी बोलोगे मैं उधार कर रहा हूं। तो यहाँ यही चीज है कि आपने माल उधार पे खरीदा और उस माल को लोड करके या उसका जो दुकान से लेकर वर्कशॉप तक या घर तक लाने का जो किराया है वो अदा किया आपने। इस चीज को देखें, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000 एंड पेड कार्टेज ऑन इट 2,000 कैश, कि हमने माल उधार पर खरीदा 40,000 का और 2,000 हमने उसका ट्रांसपोर्ट दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए चार नाम इस्तेमाल होते हैं, कितने नाम इस्तेमाल होते हैं? चार चारों मैंने इस एंट्री में लिखवा दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला आता है कार्टेज, दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा आता है कैरेज, और चौथा आता है फ्रेट। फ्रेट वैसे जहाज के किराए को कहते हैं, सही है? तो ये चार नाम आप याद रखिए, कार्टेज, ट्रांसपोर्ट, कैरेज और फ्रेट, सही है? ये हमेशा किराए के लिए इस्तेमाल होते हैं, सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अच्छा, अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांसपोर्टिंग लिखा हुआ है, कैरेज की जगह कैरेज, मतलब थोड़ी सी स्पेलिंग और आगे पता नहीं अजीब अजीब लफ्ज लिखे होंगे, देयर इन और देयर आउट, पता नहीं अजीब किस्म के, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। बस ये याद रखना है कि जब आप उधार की चीज खरीद रहे हो उसके साथ ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सिंपल है, देखो, परचेज डेबिट, सबर 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 सबर, यही गलती नहीं करनी हमने, एक साथ करनी है बेटा। 4,000 की हमने क्या ले ली? उधार पे उधार सामान ले लिया, उधार। एक लाइन छोड़ के मैं अकाउंट पे बिल लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक एक लाइन छोड़कर अकाउंट पे बिल लिख रहा हूं, थोड़ा टेंशन लिए बगैर काम करना है। 40,000, ताकि अमाउंट में गलती ना हो। मैंने एक लाइन क्यों छोड़ी? क्योंकि कार्टेज एक्सपेंस भी लिखना है। डेबिट ये वही एक्सपेंस है जो पेड रेंट एक्सपेंस, पेड कार्टेज एक्सपेंस, पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, सही है? और कैश क्रेडिट 2,000 इधर, 2,000 दो हजार इधर, कंप्लीट। अब हम क्या करते थे, हम पहले ये करते थे परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, फिर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अलग अलग लिखते थे ना, मैंने क्या किया एक साथ लिख दिया। तो शाबाश, ये लिख के दिखाओ। सबसे पहले परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000 एंड पेड कार्टेज ऑन इट 20,000 कैश, परचेज डेबिट 40,000, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट 20,000, अकाउंट पेबल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000, कैश क्रेडिट 20,000, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 फ्रॉम आसिम ट्रेडर एंड पेड रुपीज 20,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परचेज डेबिट 50,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 20,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000 एंड कैश क्रेडिट 20,000, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम, ये क्या नाम है, परवेज जी एंड सन्स 26,700 एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 240, परचेज डेबिट 26,700, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट 240, ट्रांसपोर्टेशन ही लिखना था, अकाउंट पेबल क्रेडिट 26,700, कैश क्रेडिट 240, मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम इमरान कंपनी अकाउंट कॉस्टिंग 75,000 एंड पेड कैरेज रुपीज 1,000, परचेज डेबिट 75,000, कैरेज एक्सपेंस 1,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 75,000 और कैश क्रेडिट 1,000, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर नूर एंड सन्स 16,000 एंड पेड कैरेज बाय कैश
2000 परचेज डेबिट 16,000, कैरिज एक्सपेंस डेबिट 2,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 16,000 एंड कैश क्रेडिट 2,000, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम अली स्टोर 2,000 एंड पेड फ्रेट इन कैश 2,500, परचेज डेबिट 20,000, फ्रेट एक्सपेंस डेबिट 2,500, अकाउंट पेबल क्रेडिट 20,000, कैश क्रेडिट 2,500। ओके।